हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो ऑटोकैड का वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास DXF डेटा है तो उसे हम अपनी एग्जिस्टिंग ड्राइंग में या ऑटोकैड की जो टेम्पलेट है उसमें किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑटोकैड 2018 या उससे लोअर वर्जन है उसमें जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है। 19 और 20 के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ये दोनों वर्जन यूज नहीं किए। हाँ, 20 के बाद से जो वर्जन आए हैं 2021 और 2022, इन दोनों में जो इंसर्ट करने का मेथड है वो डिफरेंट है। तो मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा कि अगर 2018 या उससे लोअर है तो उसमें क्या करना है, और अगर 2021 या उससे हायर है तो उस पर आपने क्या करना है। DXF डेटा को अपने ड्राइंग में इंपोर्ट करने के लिए या उसे ऑटोकैड में टेम्पलेट करने हैं ओपन करने के लिए, एक तो बेसिक मेथड जो DXF ओपन करने का है, आपने जहां पे फाइल को सेव किया हुआ है वहां से जाके आप उस फाइल को ओपन कर लें। लेकिन उसमें होता क्या है, जैसे मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि ये मेरे पास एक DXF फाइल है, इसको अगर हम ओपन करते हैं ये अब हमने जो ऑटोकैड का बेसिक फाइल ओपन करने का मेथड है उस तरीके से इसको ओपन किया है, तो ये मेरे इस एग्जिस्टिंग ड्राइंग में नहीं जाएगी। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और ये एक नई ड्राइंग में ओपन होगी। जैसे ये देखें, ये हमारा डेटा बिल्कुल एक नई ड्राइंग में आया है, जबकि ये हमारी वो ड्राइंग है जिसमें हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए एक मेथड तो यह है कि हम इस डेटा को इधर से कॉपी करें, इसके लिए इस डेटा को हम यहां से सेलेक्ट करके राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, कॉपी, और फिर आप इस ड्राइंग पे आके पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आप कर देंगे। राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा डेटा इस ड्राइंग में इंसर्ट हो गया है। एक तो ये मेथड है, लेकिन मुझसे जिस भाई ने सवाल पूछा है उन्होंने कहा है कि वो डायरेक्ट चाहते हैं कि वो डेटा ओपन ही इसी ड्राइंग में हो। उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है, थोड़ा मैं इसको बंद कर रहा हूं, ये जो हमने पहले DXF ओपन की थी। तो अगर आपके पास है ऑटोकैड 2018 या उससे लोअर, तो आप ये इंसर्ट के टैब में जाएंगे, ये होम के बाद सेकंड ऑप्शन है, ये सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट। आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये एक ड्रॉप डाउन मेनू आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, रीसेंट ब्लॉक, फेवरेट ब्लॉक और ब्लॉक फ्रॉम लाइब्रेरीज। लेकिन अगर आपके पास 2018 और उससे लोअर वर्जन है तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो होगा अदर ऑप्शंस। ये तीनों ऑप्शन आपको वहां पे नजर नहीं आएंगे, सिर्फ अदर ऑप्शंस लिखा होगा। आपने उस अदर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, आपका इंसर्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अगर आपके पास है 2021 तो फिर आप ये इंसर्ट के टैब में नहीं जाएंगे, ना ही आप ये इंसर्ट का जो आइकन है इसको यूज करेंगे। 2021 के लिए आप एक कमांड यूज करेंगे, वो है क्लासिक इंसर्ट, CLASSIC INSERT, क्लासिक इंसर्ट। इसको आप इंटर करेंगे, ये इंसर्शन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। 2018 में जब आप इंसर्ट पे जाके अदर ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब हमने अपनी फाइल को ब्राउज करना है तो ये ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे, जहां पे भी आपने फाइल सेव की हुई है, मेरे पास ये फाइल सेव है, यहां पे फाइल को सेलेक्ट करें और ओपन। बाय डिफॉल्ट आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इंसर्शन पॉइंट, अगर ये बॉक्स चेक है तो आपने इसको अनचेक कर देना है क्योंकि यह स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। नहीं, हमें स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई नहीं करना, हमारा जो बेस पॉइंट है वो हम X0, Y0 और Z को 0 ही रखेंगे ताकि हमारा डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लॉट हो जाए। देखिए, अगर मैं इसको चेक करके स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन और ओके करता हूं, देखें अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इंसर्ट पॉइंट सेलेक्ट करें, तो वो अब मुझे तो नहीं पता कि एग्जैक्ट मैंने कहां पे करना है, तो इससे ये आपका डेटा एग्जैक्ट नहीं आएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं फिर इसको अटैच करता हूं,
ओपन, इसको आपने अनचेक रखना है, यानी ये तीनों के तीनों आपके अनचेक होने चाहिए। अब देखें ये जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है वो 00 है, उसके बाद आपने ओके कर देना। ये देखें ये डेटा हमारा जो है यहां पे इंसर्ट हो चुका है। अब अगर इसको जूम करते हैं, अगर मैं किसी एक को पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, ये देखें सारा डेटा सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये ब्लॉक में है। तो इसको सिंपली आप एक्स से एक्सप्लोड कर दें, जैसे नॉर्मल ऑटोकैड में हम ब्लॉक को एक्सप्लोड करते हैं। तो ये देखें अब ये सारे पॉइंट जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद जो भी आपका काम हो वो उस ड्राइंग के ऊपर कर सकते हैं आप। ये मेथड ऑटोकैड में भी एप्लीकेबल है और सिविल 3D में भी एप्लीकेबल है, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। सिविल 3D में क्या होता है, जब आप DXF फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप उसे डायरेक्ट ओपन करें तो उसमें कोई भी आपका जो स्टाइल है, जो सरफेस स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल या ऑब्जेक्ट स्टाइल, वो उसमें नहीं होते। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसे जो सिविल 3D का एक टेम्पलेट है उसी में ओपन करें, या जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ड्राइंग अगर कोई है उसमें ओपन करके आप DXF में काम करें। तो ये था वीडियो, आई थिंक जिन भाई ने सवाल किया था उनको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।